नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों का शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं पत्रकारों से जुड़े विषयों को कुछ कभी ना कभी हर 2-4 दिन बाद कुछ ना कुछ उठाता रहता हूँ। मैं कभी पत्रकार सुरक्षा कानून और कभी ये कोरोना वॉरियर वाला जो मामला है, या कभी जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है जिसमें जो संशोधन की बात चल रही है, कुछ ना कुछ मसले उठाता रहता हूँ मैं। दोस्तों, आज जो मैं मामला उठा रहा हूँ, मैं मुझे उम्मीद थी कि भाई पिछले कुछ दिनों से पूरे देश के मीडिया जगत में एक चर्चा चल रही है पत्रकारों के बीच में, कुछ दिनों से, शायद करीब 1 महीने से, पर अभी वो चर्चा जो है मुखर नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि किसी पत्रकार ने उस विषय को उठाया है। मुझे लगा कि उस पर भी बोलना चाहिए, हम लोग अपने ही इंटरनल विषयों पर लगकर क्यों ना बोलें, उस पर भी बोलना चाहिए, ताकि वो भी चीज़ जो है आम लोगों को भी पता लगे और हमारे जो बिरादरी के जो साथी हैं वो भी सोचने को मजबूर हों कि भी हमें इस दिशा में कहाँ जाना है। दोस्तों, आज जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वो एक नई चीज़ है जो कि आप रोज चर्चा कर रहे हैं, उस विषय पे आप रोज चर्चा कर रहे हैं, सारा देश का मीडिया जगत, सारे देश के पत्रकार उस पर खूब चर्चा कर रहे हैं, रोज चर्चा करते हैं, पर बोल कोई नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बोल रहा, ऐसा क्या रीजन है? दोस्तों, देश के दो बड़े मीडिया चैनलों ने सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए, अपने चैनल के TRP बढ़ाने के लिए पूरे मीडिया जगत के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। पत्रकारिता का जो एथिक्स थे उसके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। दोस्तों, आज जो मैं बोलूँगा वो भी सवाल ही होंगे, क्वेश्चन मार्क ही होगा, वो भी मैं चाहूँगा कि आप उसमें अपना पक्ष रखें। मैं सिर्फ बात रखूँगा, मैं आप अपना पक्ष रखें उसमें, क्योंकि तो मैं आज नहीं चाहता कि मैं अपने दिल की बात उसमें रखूँ, अपना पक्ष रखूँ, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो पिछले 1.5-2 महीने से जो मामला चल रहा है, ये सुशांत सिंह राजपूत वाला और कंगना रनौत वाला, आप सब लोग जानती हैं क्या मामला ये वाला, हर मीडियाकर्मी देख रहे हैं इसको। इसको लेकर दो चैनलों में, दो टीवी चैनलों में, बड़े टीवी चैनल हैं, उनको उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो प्रतिस्पर्धा जो है कहाँ जाएगी, किस हद तक जाएगी, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पूरे देश के मीडिया जगत के लिए उस प्रतिस्पर्धा ने जो है TRP बढ़ाने की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसको लेकर हमारे सामने जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। जर्नलिज्म के जो एथिक्स थे, पत्रकारिता के जो एथिक्स थे, वो क्या जो जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है दोनों के बीच में, जो एथिक्स थे, क्या वो एथिक्स नए सिरे से लिखे जाने चाहिए? जो ये हो रहा है दोनों चैनलों के बीच में, जो होड़ लगी हुई है, क्या दूसरे चैनलों को भी उस होड़ की ओर बढ़ना चाहिए? दोस्तों, फैसला तो आपने करना है, पर मैं बड़ा हैरान हूँ मैं कि हो क्या रहा है। सुबह 7 बजे चैनल खोलो, एक चैनल दिखाता है सुबह 7 बजे ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, शोर मचा के ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, और उसका रिपोर्टर जो है वो हाथ ऐसे उठाता है जैसे किसी जलसे में आया हो, किसी डेमोस्ट्रेशन में आया हो, और उस तरह से वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो बताई जाती है। और वही ब्रेकिंग न्यूज़ अगर 3 बजे भी देखेंगे तो वही रिपोर्टर वही ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा होता है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, कौन तय करेगा दोस्तों ये कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है ये? और चैनलों पे जो लगातार दोनों चैनलों के बीच में जो स्क्रीन पे जो चल रहा होता है एक्सक्लूसिव, सुबह से शाम तक एक्सक्लूसिव, वही खबर वो एक चैनल पे देख लो, वही खबर दूसरे में देख लो, दोनों जगह एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिव कैसे हो गया, एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन क्या है ये दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, अपनी तो समझ से परे है। हमने तो जर्नलिज्म कभी भी सीखा नहीं, ना सिखाया किसी को, बच्चों को, ना सोचा कि इस तरह से जो है पत्रकारिता के इस दिशा में भी जा सकती है। दोनों चैनलों ने अपनी दिल्ली से बड़ी बड़ी टीमों को जो है
मुंबई बुला लिया। मुंबई में एक होड़ चल रही है इन दोनों के बीच, खूब होड़ चल रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार ऐसी खतरनाक होड़ आई है कि रेड लाइट पर उतर कर जो है ज़बरदस्ती की इसे सवाल करना कि आप बताओ आपका क्या कहना है। सिर्फ उसकी जो है गलती ये है जिससे सवाल पूछा जा रहा है कि उसने इंटरव्यू नहीं दी उस चैनल को, रेड लाइट पे पूछना ये बात, गाड़ी पे जाइए ज़बरदस्ती जाइए पूछना, तो उसे सवाल हैं ये सब सवाल हैं आपके सामने, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या ये ठीक है। तो TRP का जो झगड़ा चल रहा है, एक चैनल वाले ने जो है जे एक महिला, जिस महिला पर आरोप है इस सुशांत वाले मामले में, उसका इंटरव्यू कर दिया, दूसरे चैनल वाले को वो अखर गया कि कैसे उसने इंटरव्यू कर दिया। उसने रिपोर्टिंग को अलग रख के उस चैनल पर डायरेक्ट आरोप लगाने, घुमा फिरा कर आरोप लगाने शुरू कर दिया कि बिक गया, ये हो गया, वो हो गया। कर क्या रहे हो भाई, कर क्या रहे हो क्या रहा है ये देश में, ये रिपोर्टिंग जगत को आप किस तरह। और दोस्तों मैं पूछना चाहूँगा मैं इन दोनों चैनलों वालों से कि कोरोना जो है महामारी जो चल रही है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, हजारों पेशेंट बढ़ रहे हैं वहाँ पे, हजारों पेशेंट। और जिस तरह से वहाँ जो पत्रकार जो है जिस तरह से रिपोर्टिंग ड्यूटी कर रहे हैं, अगर किसी को भी कोरोना हो गया और किसी को भी कोई ईश्वर ना करे कुछ हो गया, उसका कौन जिम्मेदार होगा, उस पर उन परिवारों के लिए कौन कुछ करेगा, क्या कुछ बताएंगे दोनों ये। और इन दोनों चैनलों से भी मेरा सवाल है दोस्तों, रोज़ चर्चाएं चलती हैं, रोज़ परिचर्चा डिस्कशन होते हैं, ये एक बार भी इन दोनों चैनल वालों ने जो है मीडिया को लेकर पत्रकारों के साथ जो है क्या हित हो रहा है, क्या दुर्गति हो रही है इस समय पूरे देश में, मुझे लगता है पत्रकार सुरक्षा कानून की हम लोग बात कर रहे हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है, नए एक्ट लिखा जा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स से हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं, क्या इन दोनों चैनलों क्या एक बार भी खबर दिखाई उसकी। आए दिन डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं देश भर में, पत्रकार कर रहे हैं, एक बार भी खबर दिखाई नहीं। अब होगा क्या अगर इनका कोई पत्रकार जो है किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या कि वहाँ की राज्य सरकार जो है उसको उसके साथ कोई अन्याय करती है, उसको पकड़ लेती है, उसको गिरफ्तार करती है, तो अपेक्षा क्या करेंगे कि पूरे देश के मीडिया कर्मी इनकी सपोर्ट करें, पूरे देश के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी सपोर्ट करें। दोस्तों ये हम लोग जो हैं, हमें भी लगता है कि एक पत्रकार के साथ जो अगर ये हुआ है तो गलत हो रहा है, पत्रकार के लिए अगर हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। मान लो किसी को अरेस्ट कर लिया, कुछ कर लिया, तो हमारा भी दिल पसीजता है कि नहीं है तो अपनी बिरादरी का ही, अगर उसके साथ हो रहा है तो गलत है, ठीक है उसको रिपोर्टिंग ज़बरदस्ती रिपोर्टिंग ड्यूटी पे भेजा कुछ कवर करने के लिए और उसको अरेस्ट कर लिया तो गलत है, ये हम भी उसका विरोध करेंगे खुलकर। लेकिन अंदर ही अंदर जो दोस्तों सवाल तो खड़ा होगा ना, ये रिपोर्टिंग जहाँ कर रही है, पत्रकारिता कहाँ जा रही है। दोस्तों ये सवाल जो है आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़े कर रहा हूँ, मैं फैसला आप लोगों को करना है कि जो द्वंद्व चल रहा है दोनों चैनलों के बीच में TRP बढ़ाने का, ये पत्रकारिता को किस दिशा में ले जा रही है, क्या पत्रकारिता ऐसी रहेगी, क्या दूसरे चैनलों वालों का भी चाहिए ये जो होड़ चल रही है वही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा, और ये कहाँ तक जाएगी, इसका सवाल तो दोस्तों आज आपके सामने आई है, मेरे पास कोई इसका जवाब ही नहीं है, मैं क्या बोल सकता हूँ। दिल दुखता है कि रिपोर्टिंग क्या हो क्या रही है, ये माहौल क्या हो रहा है पूरे देश का, पर फैसला दोस्तों आपको करना है, मैं आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आप बताइएगा इस मामले में क्या ठीक है। धन्यवाद।